आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्ते, अ वॉर्म वेलकम टू आर मोर टीवी चैनल। आज के सेशन में हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ समर फ्रूट्स। फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत न्यूट्रिशन देते हैं, ये सबको पता है, लेकिन हर सीज़न के फ्रूट्स और वेजिटेबल का अपना एक बेनिफिट होता है, अपना एक न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है। सो समर्स के फ्रूट्स की क्या न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इन सारे फ्रूट्स के थ्रू हम लोगों को समर्स में मिलते हैं, और किस तरीके से ये समर्स में हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे वेट को, हमारे मेडिकल पैरामीटर्स को हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में, मॉनिटर करने में, मैनेज करने में। तो सबसे पहले तो हम एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर हमारे फ्रूट्स की कैटेगरी है, जिसमें हमने फ्रूट्स को रखा हुआ है कि किस तरीके के फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सीजनल फ्रूट्स कौन से हैं। एक होते हैं जो स्पेशल कैटेगरी फ्रूट्स हैं, जो अगर समझ में लिए जा सकते हैं और अवेल हो जाते हैं तो आपको वो समझ में बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं, लेकिन ये थोड़े से लिमिटेड फ्रूट्स होते हैं जो हर पर्सन को हर जगह अवेल शायद नहीं हो। तो मैं आज उन सारी कैटेगरी की बात करूंगी, जो लोग जिस कैटेगरी के फ्रूट्स को अवेल कर सकें वो डेफिनेटली उसका बेनिफिट लें, और इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है फ्रूट्स की, उसमें सबसे ज़्यादा सही वैल्यू हमारे कौन से मेडिकल पैरामीटर्स को हेल्प करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो पहली बात, जो नॉर्मल कैटेगरी है जिसके अंदर सारे सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है, सबसे पहला टॉप मोस्ट समर फ्रूट आया है, और हम मैंगो की बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। सो जो टॉप मोस्ट फ्रूट है वो मैंगो ही है। तो मैंगो के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन है, वाइटमिन सी इसमें नेचुरल है, लकीली इसके अंदर वाइटमिन डी आपको मिल जाता है, आयरन इसमें होता है, पोटेशियम इसमें होता है, वाइटमिन ए इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। तो मैंगो अपने आप में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन कंटेन रखता है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी लिमिटेशनल फैक्टर्स भी हैं जो कि उसको हर एक किसी के लिए कंज्यूम करना सेफ नहीं बताते। जैसे कि मैंगो के अंदर उतनी ही स्वीटनेस और उतनी ही कैलोरीज भी है, इसीलिए जनरली मैंगो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है उन लोगों को मैंगो नहीं खाना। बट मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप मैंगो कैसे खा सकते, जिनसे आप डेली मैंगो को इंजॉय भी कर पाएं और आपकी सेहत पे, आपकी मेडिकल पैरामीटर्स पर कोई ऐसा असर भी ना हो। तो मैंगो के अंदर न्यूट्रिशनल बेनिफिट मैंने बहुत सारे बताए। अब टाइप ऑफ मैंगोज भी अलग अलग है, जो आजकल मैंगो आ रहा है वो ज़्यादातर वाइटमिन सी रिच है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, और उसके अंदर शुगर जो होती है थोड़ी एवरेज लेवल की, फाइबर भी एवरेज लेवल का होता है। बट बीच में जो दशहरी आम आता है या जो लंगड़ा आम जिसको कहते हो, उसके अंदर एक एडिशनल फैक्टर जुड़ जाता है जिसको फाइबर कहते हैं। तो आपका वाइटमिन सी, वाइटमिन ए, वाइटमिन डी, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसके साथ साथ फाइबर भी ऐड हो गया जब क्वालिटी ऑफ मैंगो चेंज हो। मैंगो का जो क्वालिटी है, एक ऐसा फ्रूट है मैंगो जो हर महीने में जिसकी वैरायटी चेंज हो जाती है। आप एप्पल खाइए, एप्पल का सिर्फ टेस्ट चेंज होगा, वैरायटी पूरा टाइम एक ही वैरायटी रहती है या ज़्यादा से ज़्यादा दो वैरायटी। लेकिन मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसकी वैरायटी विद इन मंथ्स चेंज होती रहती है। 1 month कुछ और है, 2nd month कुछ और है, 3rd month कुछ और है। आपका पूरा अगर 5 महीने का समर सीज़न है, उस समर सीज़न में आप कम से कम नहीं तो 5 type के मैंगो अवेल कर सकते हैं, और आप 5 different वैराइटीज़ ऑफ मैंगो को इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये सारे बेसिक न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में तो सेम है, बट समटाइम्स क्वालिटीज़ में ये थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो जब भी आप लोगों को मैंगो कंज्यूम करना होता है तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि बिकॉज ऑफ हाई शुगर एंड हाई कैलोरीज we have to take care of the portion size of the mango, that's it। hum ye nahi kehte ki mango mat khaiye, hum sirf ye kehte hain ki mango limited portion mein khaiye। to agar aap daily basis pe limited portion mein mango khate hain to wo aapki sehat par utna zyada nuksan nahi karega jitna logon ne daraya hua hai। to
एक तो सबसे पहला पॉइंट मैंगो खाते हुए आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो है कि आपको उसका पोर्शन साइज मैनेज करना है, बहुत ज्यादा मैंगो एक बारी में कंज्यूम नहीं करना। दूसरी प्रिकॉशन ये है कि आप कभी भी मैंगो ऐसे टाइम पे मत खाइए जब आप ऑलरेडी या तो बहुत ज़्यादा खाना खा चुके हैं या आपका वो स्नैक टाइम है, ताकि आप उसको हेल्दी स्नैक से रिप्लेस ना कर दें। दैट मीन्स लंच कर लिया आपने, तो आपने लंच में थोड़ा सा मैंगो खा लिया, आफ्टर लंच एज सून एज यू फिनिश योर लंच मैंगो आप थोड़ा सा खा लीजिए। क्यों मैंने बोला है? क्योंकि जब आप लंच कर लेते हैं प्रॉपर, जब आप प्रॉपर मील ले लेते हैं, तो उसमें पहले कार्बोहाइड्रेट आपका डिसॉल्व होना शुरू होता है, डाइजेस्ट होना शुरू होता है, अब्सॉर्ब होना शुरू होता है। तो मैंगो आपने सबसे लास्ट में खाया, दैट मीन्स इट विल वर्क एज ओनली द अदर कार्बोहाइड्रेट जो कि आपने चपाती या राइस की फॉर्म में खाया, वो मैंगो की तरह से ट्रीट नहीं करेगा। अभी उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बाकी फूड सोर्सेज के साथ चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप मैंगो को ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं, तो आप मैंगो को ब्रेकफास्ट में अगर खा लोगे, सेम एज फैक्टर, वो धीरे 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 अगर आपने मैंगो खाया है, साथ में आपने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट रिच, फाइबर रिच या फिर आपका विटामिंस रिच ब्रेकफास्ट आपने कंज्यूम किया और आप उसके साथ मैंगो ले रहे हो, तो वो मैंगो के इफेक्ट को सप्रेस कर देगा, एंड मीनवाइल यू ऑल्सो विल बी एबल टू इंजॉय योर मैंगो। सो ये दो पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं, एक पोर्शन साइज, दूसरा कॉम्बाइनिंग मैंगो विद योर मील, ये आपको बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा मैंगो को कंबाइन करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है हेल्दी फैट्स। आप सारे के सारे मैंगो को, जब भी आप मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं, आप मैंगो को ड्राई फ्रूट्स के साथ कंज्यूम कर लीजिए। जब आपने ड्राई फ्रूट्स का स्नैक लिया, तब आप उसके साथ मैंगो खाइए, क्योंकि उस टाइम पर भी यही होगा कि बिकॉज ऑफ द फैट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स मैंगो का इफेक्ट थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। सो दिस इज द वे टू कंज्यूम मैंगो। मैंगो के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या हैं मैंने आपको वो सब बता दिया। अब जो टॉप मोस्ट वेजिटेबल फ्रूट है समर्स का, वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन अपने आप में दी मोस्ट हाइड्रेटेड फ्रूट्स में काउंट होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको पोटेशियम मिल जाएगा, मिनरल्स मिलेंगे, वाटर तो उसके अंदर है ही, इसके अलावा बहुत ज़्यादा बीटा कैरोटीन्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर बहुत सारा है, आपको वी कैन से कि एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, विटामिन ए आपको मिलता है बिकॉज ऑफ आयरन कंटेंट, कलर इसका एकदम रेड है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दैट क्लोरोफिल जनरली कंटेन्स द अमाउंट ऑफ आयरन विच हेल्प्स इन बूस्टिंग योर आयरन कंटेंट। तो विटामिंस और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट अगर समर में कोई फ्रूट है वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन कोई भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है, चाहे आपको शुगर है, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल है, चाहे आपको फैटी लिवर है, चाहे आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, ये सारे इश्यूज में आप बहुत इजीली वाटरमेलन कंज्यूम कर सकते हैं। और वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जो आप क्वांटिटी अगर ज़्यादा भी ले लेते हो, तो सिवाय इसके कि आपको यूरिनेशन ज़्यादा होगा, आपका फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, और कोई साइड इफेक्ट नहीं। अदर देन रेनल इश्यूज, जिन लोगों को किडनी इश्यूज होते हैं, ऑफ कोर्स हम उनको वाटरमेलन अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनमें पोटेशियम बढ़ जाता है। तो अगर आपको रेनल इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली आप वाटरमेलन कंज्यूम नहीं करेंगे, बट अदर देन दैट एवरी वन कैन कंज्यूम वाटरमेलन। वाटरमेलन के ऊपर टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं है, आपकी पोर्शन साइज की कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना मर्जी खाइए, आपका पेट भर जाएगा उससे। यू कैन ईजिली इंक्लूड इट इज इन योर स्नैक्स फॉर मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्नैक्स। चाय को रिप्लेस करना है, आपके हॉट बेवरेजेस को रिप्लेस करना सबसे अच्छा है वाटरमेलन। वाटरमेलन का डिटॉक्स वाटर आप बना सकते हैं, उसका स्क्वैश आप बना सकते हैं। वाटरमेलन का स्क्वैश बनाने में बहुत इजी है, थोड़ी देर के लिए वाटरमेलन को पानी में डिप कर दीजिए, फिर एक मैशर लेके आप उसको मैश कर दीजिए, आपका बहुत बढ़िया स्क्वैश वाटरमेलन का ऐड ऑन हो जाता है। दिस गिव्स यू सो मच ऑफ हाइड्रेशन, आपको कभी डिहाइड्रेशन नहीं, होंठ फट रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, स्किन किची किची फील हो रही है, ये ड्राई स्किन के सिम्टम्स हैं।
डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं, आँखों में भी ड्राइनेस फील होती है, तो वो ड्राइनेस आपकी तब चली जाती है जब आप वाटर इनटेक अपना अच्छा कर लेते हो हेल्दी फैट के साथ साथ। तो ऐसे में वाटरमेलन को कुछ ज़्यादा कंज्यूम करना आपको बहुत बेनिफिट देगा। अगर आपको एंटी ऑक्सीजेंस अपने कम्प्लीट करने हैं तो डेफिनेटली आपको वाटरमेलन का कंजम्पशन करना चाहिए। जो थर्ड मोस्ट आपका जो फ्रूट अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो है समर्स डे पपाया। पपाया इज अ वेरी गुड फ्रूट फॉर एवरीवन, एवरीवन, आई से एवरीवन, दैट मींस इंक्लूडिंग रेनल पेशेंट्स, इंक्लूडिंग पेशेंट्स जिनको किडनी इश्यूज। तो ये आपकी बॉडी के अंदर इतना फॉलेज आपको दे देता है, वाइटामिन सी इसमें है, वाइटामिन ए इसमें है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें है, फाइटोकेमिकल्स, इट हैज इट्स यूनिक फाइटोकेमिकल्स जो आपकी बॉडी के अंदर से फैट को कट करने में इतना हेल्प करेगा कि आपका बॉडी में से वेट कम करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट फूड है। इसमें इसके अलावा फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, आपके लिए खाने में ईजी है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, तो आपका अगर डेंटल इश्यूज है तो आप इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये फ्रूट आपको कॉन्स्टिपेशन से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकते हैं। इसके अंदर इतनी अच्छी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं कि आप इसके थ्रू अपनी गैस को कंट्रोल कर सकते हैं। पपाया एक ऐसा फ्रूट है जो ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन बट कि आपकी एसिडिटी पे भी कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है। पपाया के अंदर एक लिमिटेशन है कि पपाया जब भी आप खाते हो तो उसके ऊपर जो येलो कलर की, व्हाइटिश कलर की झिल्ली होती है ना बीजों के नीचे, हम उसको निकाल देते हैं जब। सो वो आपको निकालना नहीं चाहिए। बहुत कम लोग हैं जिनको ये बात पता है कि जब भी आप पपाया खा रहे हैं, बीज निकालने के बाद जो आप ऊपर की लेयर निकाल देते हैं गंदा समझ के कि ये गंदा है इसको निकाल दो, वो आपको निकालना नहीं चाहिए। उसके अंदर एक यूनिक, एक अपना खुद का कंपाउंड होता है जो आपकी बॉडी के अंदर फैट डिजॉल्व करने में, शुगर को कंट्रोल करने में, आपको फुल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप पपाया कंज्यूम करते हो। मूविंग टू नेक्स्ट फ्रूट, हमारी समर में एक और बहुत अच्छा फ्रूट अवेलेबल होता है प्लम। प्लम्स बॉडी के अंदर इतना अच्छा एनर्जी लेवल देता है और वो भी इन अ पॉजिटिव वे। इसके अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है, ये डाइजेस्टिव इश्यूज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अंदर सॉर्बिटोल करके एक अपना खुद का कंपाउंड होता है या फिर इसैटिन करके अपना खुद का कंपाउंड होता है। दीज टू कंपाउंड रियली हेल्प प्लम। अगर आप फ्रेश प्लम खाएं तो आपको कॉन्स्टिपेशन से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। अगर आप रेगुलर खा रहे हो आपका डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट इस तरीके के प्रेजेंट है कि ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी रखता है। प्लम के अंदर आपके जितने भी ऑन्कोजीन्स एक्टिवेशन का फैक्टर्स हैं वो सारे सप्रेस हो जाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना लो है कि आपका शुगर कभी ये बढ़ने नहीं देता, धीरे 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 आपको एनर्जी देता है, लेकिन आपको इतनी अच्छी एनर्जी देता है। अगर हम 100 ग्राम प्लम खाते हैं ना तो हमें सिर्फ 30 ग्राम ऑफ कैलोरीज मिलती, 30 किलो कैलोरीज मिलते सिर्फ 30। द लोएस्ट फूड कैलोरीज इज प्लम फ्रूट, जबकि फ्रूट के अंदर इन अ वे कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है बट पॉजिटिव वे में। प्लम के अंदर बहुत लो कैलोरीज अवेलेबल होती है। सो इमेजिन आपको कितना न्यूट्रिशन ये दे सकते हैं। प्लम की अपनी यूनिक क्वालिटीज की वजह से इसके अंदर जो कलर इसका होता है, जो पिगमेंटेशन इसका होता है, दैट पिगमेंटेशन is very unique to provide you to boost your iron content. आपका body के अंदर iron deficiency, आप definitely plump का इस्तेमाल कीजिए। plump आपको बहुत benefit करेगा और plump आप diabetic patient के साथ साथ renal patient को भी थोड़ा बहुत moderation amount में एक या दो plump अगर एक बारी में patient खा लेता है तो वो boosting के लिए बहुत अच्छा है। तो plump आप definitely consume कर सकते हैं। इसके अलावा
जो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वो बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसे लीची, लीची के अंदर इतना हाइड्रेशन है, इतना यूनिक न्यूट्रिशन है कि लीची आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी और हाइड्रेशन को इंस्टेंटली बूस्ट कर देती है। जैसे केला होता है इंस्टेंटली आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरीके से लीची इंस्टेंटली आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। लीची के जो शेक्स हैं, लीची के जो फ्लेवर, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो लीची होती है ना किसी के साथ फिट हो जाती है, इसका फ्लेवर ही बड़ा यूनिक है। आप स्क्वैश बनाना चाहते हैं, आप लीची का स्क्वैश बना सकते हैं। आप जेली बनाना चाहते हैं, फ्रूट जेली बना सकते हैं। इसीलिए बच्चों के हर फ्लेवर में आपने देखा होगा लीची अवेलेबल होती है। आप इसको शेक बनाना चाहते हैं, आप लीची शेक बना सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक क्वालिटी, और इसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा है, विटामिन ई सी बहुत है, बहुत नहीं तो थोड़ा जरूर है, लेकिन इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ट्रेमेंडस। प्लस जो टाइम होता है ना लीची का, वो तब होता है जब हीट स्ट्रोक के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपको कभी भी टेंडेंसी रहती हो हीट स्ट्रोक की, या आपको पता है आपको ट्रैवल करना है, आपको बाहर जाना है, उस टाइम पे आप लीची कंज्यूम कीजिए, आपको हीट स्ट्रोक प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। तो लीची अपने आप में बहुत अच्छा फ्रूट है। इसके अलावा नेक्स्ट फ्रूट जो लीची के ऊपर ना, इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं। तो मैं एक पॉइंट बताना भूल गई आपको कि लीची के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑलमोस्ट मैंगो जैसी है, विटामिन सी को छोड़ के। विटामिन सी है इसमें, विटामिन बी भी है, लेकिन कंपैरेटिवली मैंगो कम होता है। लेकिन इसमें पोटेशियम बहुत होता है। पोटेशियम आपकी बॉडी के लिए अच्छा है जब आपको ब्लड प्रेशर का इशू है। तो अब इसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी ये भी है कि इसके अंदर यूनिक सोडियम भी प्रेजेंट है। लीची में अपना खुद का सोडियम प्रेजेंट होता है। सॉल्टी टेस्ट नहीं आएगा, आप बोलेंगे तो सॉल्टी फील नहीं होता, लेकिन उसमें सोडियम कंटेंट होता है। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन के साथ साथ ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन है ना, लीची इज द बेस्ट फ्रूट फॉर यू। अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, फ्लक्चुएशन कंट्रोल करना है, तो लीची के अंदर सारे फ्रूट जो हैं, जो सारी क्वालिटीज हैं, वो मैंगो वाली हैं। बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, हम हाँ ऑफकोर्स किडनी पेशेंट्स को अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि आप लीची ना ज़्यादा कंज्यूम मत कीजिए। बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज, मैंने बताया पॉलीफिनॉल्स है इसके अंदर, तो डेफिनेटली ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। ये तो बात हो गई लीची। नेक्स्ट फ्रूट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इज, ट्रस्ट मी, इज द हेल्दीएस्ट फूड फ्रूट लेट्स से इन समर्स, क्योंकि विंटर्स में हमारे पास बहुत सारे सिट्रस ऑप्शन होते हैं। मौसमी आपको मिल जाती है, संतरा आपको मिल जाता है, आप पूरा विंटर विटामिन सी कंज्यूम कर सकते हैं। बट समर्स में सिवाय एक लेमन के आपके पास बड़े लिमिटेड सोर्सेज होते हैं विटामिन सी के। ऐसे में अगर आप विटामिन सी को, मैंगो को ऑफकोर्स हम साइड करके बात करें क्योंकि मैंगो उतना ज़्यादा आप कंज्यूम नहीं कर सकते, पर पाइनएप्पल के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं। पाइनएप्पल आप कितना भी कंज्यूम कीजिए क्योंकि इसके अंदर शुगर नहीं होती, इसके अंदर जरा भी शुगर नहीं होती। ये आपका डायबिटीज को फ्लक्चुएट करने में कोई रीजन क्रिएट नहीं करेगा। इतना विटामिन सी है कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो दिस इज द बेस्ट फ्रूट फॉर यू टू कंज्यूम, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का बस एक लिमिटेशन एक ही है कि इसके अंदर का जो एसिड होता है कई बार वो टंग पर या आपके ओरल कैविटी में कट्स लगा देता है बिकॉज ऑफ द एसिड फैक्टर। तो उसको सप्रेस करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप इसका डिटॉक्स ड्रिंक बना लीजिए। थोड़ी देर पाइनएप्पल को वाटर में डिप कर दीजिए, अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट पुटिंग इनटू इट, मेकिंग इट अ डिटॉक्स वाटर, और जो एसिड है ना उसका, वो सारा वाटर में फ्लेवर में चला गया, एंड देन द कंटेंट ऑफ पाइनएप्पल इज नाउ ईटेबल। अब आप उसमें चाट मसाला लगाइए और वो बहुत टेस्टी आपका स्नैक रेडी हो जाए। सो पाइनएप्पल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी when we are talking about summer foods, तो आप definitely इसको consume कर सकते हैं, आपको वो बहुत benefit देने वाला है। अब next fruit जो आता है summers के लिए वो है muskmelon। muskmelon थोड़े time के लिए आता है but it provides a lot of nutrition। first constipation के लिए सबसे अच्छा है, trust me।
जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, मस्क मेलन खाइए, आपका मस्क मेलन का बीज खाइए। जो मेलन सीड्स होते हैं वो बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू रखते हैं, प्लस ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होते। प्लीज डोंट बिलीव कि ड्राई फ्रूट है तो गर्म होगा, सीड है तो गर्म होगा, नहीं होते। मेलन सीड्स आर दी हेल्दीएस्ट सीड्स एंड इट डजंट कंटेन एनी यूनिट ऑफ हीट, सो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा है, आप मेलन मस्क मेलन खाइए। मस्क मेलन आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छा है। बस मस्क मेलन के साथ लिमिटेशन यही है कि शुगर वाले या जिनको जिन डायबिटीज वाले या जिनको बहुत ज़्यादा ओवरवेट का प्रॉब्लम है, वो लोग इसको रेगुलरली कंज्यूम नहीं कर सकते, यानी कि आप डेली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो अगर वाटरमेलन आप कंज्यूम करने के लिए डेली मिलता है, तो आप मस्क मेलन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे कि मस्क मेलन आप हफ्ते में एक या दो बार से ज़्यादा ना लें। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे फ्रूट्स अवेलेबल हैं जो कि मार्केट में इस टाइम पे मिल जाते हैं। चेरी आती हैं जिसको हम फालसे बोलते हैं, वाइटामिन सी है इसके अंदर, फॉलिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। यू वोंट बिलीव हाउ गुड इट इज। अगर आपको सिस्टम अपना ठीक करना है तो इस टाइम पे आपको बेस्ट सोर्स है। बेरीज मिलती हैं, स्ट्रॉबेरीज इस टाइम पे मिल जाती हैं, मस्क मेलन्स, ये ब्लूबेरीज वगैरह इस टाइम पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, थोड़ी सस्ती भी हो जाती है, तो आप बेरीज कंज्यूम कर सकते हैं। एक और यूनिक फ्रूट है जो इस टाइम पे आता है, वो है एप्रिकॉट। फ्रेश एप्रिकॉट इस टाइम पे अवेलेबल होता है। जो लोग ड्राई एप्रिकॉट कंज्यूम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप फ्रेश एप्रिकॉट इस टाइम पे कंज्यूम करना शुरू करें। ट्रस्ट मी, एप्रिकॉट के अंदर, क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है, आपको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। इट विल गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉलीफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिंस, मिनरल्स, इतना हाइड्रेशन देगा दैट यू विल बी सरप्राइज कि आपको बॉडी में अगर कभी भी मिनरल इम्बैलेंस या डिहाइड्रेशन हो रहा है, एप्रिकॉट विल रियली हेल्प। प्लस एप्रिकॉट कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बेस्ट फूड है। अगर आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा लूज कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, 3 grams ऑफ फाइबर इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एप्रिकॉट। अगर 100 grams एप्रिकॉट आपने खाया तो 3 grams ऑफ फाइबर आपको मिल जाता है, विच इज़ द हाइएस्ट फाइबर कॉन्टेंट इन एनी ऑफ द फ्रूट्स। तो एप्रिकॉट इज़ वेरी गुड। प्लम, एप्रिकॉट और प्रूनस, ये 3 ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन में खाए जाते हैं टू क्योर कॉन्स्टिपेशन परमानेंटली। अगर आपको अपना कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना है तो ये 3 फ्रूट आपको डेफिनेटली खाना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ फ्रूट्स आते हैं, जैसे बीच में पीचेस आ जाते हैं, इसके अलावा मैंगोज, पपायाज, ग्रेप्स आते हैं। ग्रेप्स अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ग्रेप्स के साथ, ग्रेप्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, विटामिन सी बहुत अच्छा है, विटामिन ए बहुत अच्छा है, इसके अंदर मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, सोडियम, पोटाशियम, आपका ये एंटी ये आपका एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ आपको पॉलीफिनॉल्स वगैरह मिल जाते हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन आपका, उसके ऊपर फाइबर, ग्रेप्स में इतना फाइबर होता है कि वो आपको बहुत बहुत न्यूट्रिशन दे सकता है। लेकिन उसके साथ लिमिटेशन ये है कि वो शुगर में भी उतनी ही ज़्यादा हाई होती है, तो आपको उसको खाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ग्रेप्स अगर एक टाइम पे ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली आपका वो नुकसान कर सकता है। एक आध फ्रूट और है, जैसे अमरूद आता है, गुआवा, पेयर, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो एडिशनल हैं, आते हैं, आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बीच में इनको डालने से होता ही है कि आपके बॉडी को वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मिल जाता है। सो अगर आपको कभी भी फ्रूट खाना है तो आपके लिए जो टाइमिंग होता है फ्रूट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस टाइम आप फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट का साइकिल जो होता है, टेक्निकली हमारे इंडियन डाइटरी एसोसिएशन और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के हिसाब से हमें मिनिमम 4 servings ऑफ फ्रूट लेना होता है। 4 servings ऑफ फ्रूट लेना हमारे लिए उतना इजी नहीं हो पाता, स्पेशली सम डिम विंटर्स। लेकिन समर्स के जितने भी फ्रूट हैं वो इतने लाइट होते हैं कि आप इजीली 4 servings कंप्लीट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने थोड़ा सा वाटरमेलन लिया, थोड़ा सा मस्कमेलन लिया, आपने कंबाइन करके एक चार्ट बनाया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया, तो ये आपके दो सर्विंग्स हो गए. इट्स नॉट वन सर्विंग, इट्स टू सर्विंग्स. अगर आपने दो फ्रूट कंज्यूम करे हैं तो वो दो सर्विंग्स काउंट होते हैं. तो जब भी आप सुबह फ्रूट खा रहे हैं और शाम को फ्रूट खा रहे हैं तो दो वेराइटी इंक्लूड करिए, सुबह भी और शाम भी. ऑफकोर्स पोर्शन साइज भी थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा कि एक थिन स्लाइस ऑफ पपाया एंड वन थिन स्लाइस ऑफ मस्कमेलन टू बी इंक्लूडेड ऑल टुगेदर, तभी वो आपका पूरा पोर्शन साइज काउंट होगा. इस तरीके से दो फ्रूट को कंबाइन करके जब आप लेते हो तो फोर सर्विंग्स आप अपनी कंप्लीट करते हो. एक तो ये तरीका है फोर सर्विंग्स कंप्लीट करने का. दूसरा तरीका क्या है, एक टाइम आप फ्रूट अपना ब्रेकफास्ट में ले लें, फिर आपका मिड मॉर्निंग हो गया, फिर आपका इवनिंग स्नैक हो गया, और अगर आप मैंगो कंज्यूम कर लेते हैं तो लिटिल बिट ऑफ आफ्टर लंच वो भी आपका कंज्यूम, तो आपका चार सर्विंग्स यहाँ पर आराम से कंप्लीट हो सकता है. अगर दूसरा तरीका ये भी आपको ठीक नहीं लगता, आपको लगता है इतना ज़्यादा रेगुलर कंज्यूमशन ऑफ फ्रूट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो थर्ड ऑप्शन आपके चार सर्विंग्स को कंप्लीट करने का इज अ फ्रूट स्मूदी. I'm saying not fruit juice, not fruit shakes, fruit smoothies. Fruit smoothies बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं सबको ब्लेंडर में डालें, चला दें, उसको गिलास में डालें, हल्का सा चाट मसाला, नमक, अपने काली मिर्च डाली और पी लें. दैट वे आपने एक टाइम अगर फ्रूट खाया है तो एक टाइम आप फ्रूट स्मूदी लेके आप एक बारी में चार फ्रूट उसमें डाल के फ्रूट स्मूदी के फॉर्म में आप चार सर्विंग्स इजीली कंप्लीट कर सकते हैं. जिन लोगों को वेट गेन करना है उन लोगों के लिए सबसे अच्छा टाइम है समर्स में फ्रूट शेक्स लेना. अगर आप फ्रूट शेक्स ले लेते हैं तो आपका वेट गेन हो जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट गेन जल्दी हो तो आप पपाया शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक, ये सारे शेक, वैरायटी ऑफ शेक ले सकते हैं. ये आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू देते हैं. तो अगर आपको फ्रूट कंज्यूम करने हैं तो एक बात का प्लीज ध्यान रखिए, डिनर के बाद फ्रूट्स कंज्यूम ना करें. डिनर के बाद फ्रूट कंज्यूम करने से आपकी शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं, आपका वेट कंज्यूम बढ़ने के चांसेस होते हैं, प्लस यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है क्योंकि माइट बी पॉसिबल आप पानी भी पियेंगे और फ्रूट का अपना भी लिक्विड होता है. तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि डिनर के बाद आप फ्रूट कंज्यूम ना करें, आप डिनर से पहले तक कंज्यूम कर लें, आपके बॉडी के लिए, आपके न्यूट्रिशन बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा है. सो आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा. इसके अलावा किसी का कुछ कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू फ्रूट प्लीज. जामुन एक्चुअली मैंने बेरीज बोला था ना, वो उसी में आ जाता है क्योंकि फाल से जामुन ये सीजनल है, थोड़े टाइम के लिए आते हैं. स्ट्रॉबेरीज ये भी सब उसी टाइम पे आते हैं और इनमें जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है वो बहुत यूनिक होती है. जामुन में सबसे अच्छी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है कि ये ब्लड शुगर को इंस्टेंटली ड्रॉप डाउन करने में हेल्प करता है. देहरादून में कूल है तो ल्यूकवार्म वाटर ले रही हूँ, तो क्या उसमें या जैसे पाइनएप्पल वगैरह डाल सकती हूँ ल्यूकवार्म वाटर में? नहीं, किसी भी गर्म टेम्परेचर के कंटेंट में फ्रूट्स का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाएगा. प्रियंका जी आम का रस जो बनता है उसमें दूध डाल के बनाते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है या ठीक रहती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका वेट गेन हो जाएगा. वेट गेन हो जाएगा, अच्छा तो खाली आम खाना चाहिए. अच्छा तो यहाँ खाने के तरीके बताए उसके हिसाब से. Hi Priyanka. Hi Rashmi ji. How are you? I'm good. Priyanka, I wanted to ask you one thing. कभी कभी हम लोग मार्केट जैसे जाते थे, अब तो जा नहीं पा रहे. So online also one can get. You get these dry berries. इतनी berries की तुम बात करते हो ना, उसका dried form में मिलता है packet में. कभी कभी mixed होती हैं, कभी कभी अलग अलग से भी होती हैं. तो व्हाट डू यू थिंक दे आर गुड? आई मीन कभी कभी पॉसिबल नहीं होता कि हर एक बेरी को आप खरीद के लाएं या मिल रही हो आपके घर के आसपास, तो आर दे आल्सो एज बेनिफिशियल? जैसे दे नहीं, दे आर बेनिफिशियल बट नॉट फॉर डायबिटिक पेशेंट.
यू कैन कंज्यूम, रश्मि जी यू कैन कंज्यूम। प्रियंका जी, हाँ जी, अगर ये जितने फ्रूट्स आपने बताए हैं इतने बेनिफिशियल है, अगर इनको लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं लिया जाएगा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इट हैज टू बी लिमिटेड क्वांटिटी, मैंने वही बताया, डायबिटिक बहुत जरूरी है, डायबिटिक के लिए भी 4 सर्विंग्स इज रिक्वायर्ड, लेकिन वो 4 सर्विंग्स में आपका थिन स्लाइस ऑफ पपाया अलोंग विद थिन स्लाइस ऑफ वाटरमेलन इज गुड। बट हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा ज्यादा अभी आप एक पपीता एक बारी में खा जाओगे तो वो आप मतलब डायबिटिक कोई नहीं किसी को भी नुकसान करे जी। इसका ब्रेक का सबसे बेस्ट टाइम है 11 टू 12 इन द नून, बिफोर नून और 4 बजे शाम को। एग्जैक्टली, सबसे बेस्ट है फ्रूट्स का टाइमिंग बिफोर योर लंच, द गैप इन बिटवीन योर ब्रेकफास्ट एंड लंच, एंड द गैप इन बिटवीन योर लंच एंड डिनर। प्रियंका एक सेकंड, केपी जी, हाँ जी, आप आजी बताइए। प्रियंका आपने कहा कि 4 फ्रूट्स में वी शुड हैव 4 पोर्शन, so what is the total amount of fruit I should consume in a day? 4 servings bola to ma'am, ha 4 servings hai, but I can combine and have 2 servings at a time, then what is the maximum amount of all fruits combined if I'm taking? So agar aapne ek maan lijiye aapne ek amrud le liya aur saath mein ek apple le liya, this is 2 servings, ya fir aap ek apple le lijiye saath mein ek slice of watermelon le lijiye, ha ठीक है, और आपने एक साथ में एक स्लाइस ऑफ पपाया ले लिया, तो ये आपकी 4 सर्विंग कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई, हाँ, बस उतना ही लेना है ना? बस उतना ही लेना है, उतना ही काफी है, उतना ही काफी है। अच्छा, मैं अभी कुछ दिनों पहले किसी आयुर्वेदिक जो है वो करते हैं उनसे मैं मिलने गया था, वो कोरोना के लिए गिलोय वगैरह उन्होंने दिया मुझे, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि दूध केवल केले के साथ ही लेना और किसी भी फल के साथ दूध मत लेना, ऐसा उन्होंने मुझे कहा, तो ये क्या सही है? हम लोग तो आम के साथ आम का रस बनाते हैं उसमें दूध डालते हैं। दूध के साथ कोई भी फ्रूट खाने से नुकसान सिर्फ यही होता है, आपका वजन बढ़ता है, आपकी शुगर बढ़ती है। ओ, लेकिन कोई नुकसान नहीं है सर लेने में? नुकसान वैसा कोई नुकसान नहीं होता, बस ये कि पचने में टाइम लगेगा, भारी हो जाता है। अच्छा, ओके, ओके, ओके। और कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी। प्रियंका जी, आई नीड टू आस्क अ क्वेश्चन। जी जी, शर्मिला जी बोलिए। सीजनल सीजन में तो जामुन हम लोग खाते हैं जरूर, बट जब ऑफ सीजन हो जाता है तो क्या बॉटल्ड जूस जामुन का परमिटेड है? हाँ मैम, ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड ले रहे हैं। अगर पतंजलि वाला मैंने देखा है, मैंने यूज भी किया है, इट्स नेचुरल, वो ठीक है, तो आप उसको वाटर में डाइल्यूट करके उसको जूस को ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट बहुत लोग उनकी गुठली को सुखा के और उसका पाउडर बना के रख लेते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो भी ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू जी। सुभाष जी, हाँ जी। प्रियंका जी, मेरा क्वेश्चन है जी कि फ्रूट्स जो है कैन वी टेक इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आई मीन वी स्टार्ट द मॉर्निंग विद द फ्रूट्स? वी कैन, बट समटाइम्स, ओनली समटाइम्स people get acidic, it becomes acidic for some people, क्योंकि fruit को digest करने में कई बार problem आ जाती है, तो 100 में 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको acidity develop हो जाती है। ये dates जो प्रियंका जी, dates जो है वो diabetic लोग ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। अगर आपका diabetic, अगर आपका HbA1c 6.5 से नीचे है तो ही हम allow करते हैं, वरना हम allow नहीं करते। 6.5 से नीचे तो ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन तभी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड पोर्शन, रोज एक दो नहीं खा सकते, कभी कभी खा लिया, हफ्ते में 2 बार खा लिया तो चलेगा, मतलब डायबिटिक पेशेंट, नॉन डायबिटिक नहीं, सिर्फ डायबिटिक। दो तीन जी जी, क्या हरीश जी? नॉन डायबिटिक, जिसको डायबिटिक नहीं हो वो तो खा सकता है 2-3 खजूर रोज। हाँ, वो 2-3 खजूर रोज खा सकता है, मैंने बोला ना जिनको डायबिटिक नहीं है जी, उन लोगों के लिए 2 डेट का मतलब हो गया 1 टैबलेट ऑफ मल्टीविटामिन। ओके ओके, थैंक यू प्रियंका। नो प्रॉब्लम सर, प्रियंका ये गर्मी में भी खा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अरे गर्मी में ही तो खाने के लिए होते हैं खजूर, आए कहाँ से खजूर, खजूर आए कहाँ से,
जो ड्राई वेदर जो डेजर्ट्स होते हैं वहां से तो इजाद हुए हैं, दुबई दुबई से तो जहाँ पर रेगिस्तान होता है वहीं से तो आते हैं उन लोगों के यहाँ तो डेट्स ऐसे खाए जाते हैं जैसे हमारे यहाँ केला खाया जाता है। क्या लोग शांत कैसे हो गए, नहीं तो मेरे तो क्वेरीज भी खत्म होती। बात ये ना, आप सब कुछ इतना डिटेल में बता देते हो कि सवाल पूछने वाले बहुत कम रह जाते हैं। बात सही है, बात ये भी कॉम्प्लीमेंट है। या थैंक यू सो मच, यू गिव सो मच इंफॉर्मेशन फॉर एवरीथिंग इन सो डिटेल दैट फिर बहुत कम चीजें रह जाती हैं पूछने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हां दिस आई ऑलवेज आप कह रही हैं तो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। बोलिए सर। ये एप्पल जो है वो 12 महीने मिलता है जी, तो गर्मियों में खा सकते हैं क्या उसको? हाँ क्यों नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं। ठीक, थैंक यू प्रियंका, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। थैंक यू प्रियंका, नाइस सेशन, सो वी कैन कंज्यूम थैंक यू एवरी टाइम इन समर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच मिस्टर भामरी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच यू ऑल ऑन ट्यूसडे नाउ एंड we'll have a lovely session again. Thank you.